नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम हरदी महामाया के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के ऊपर ग्राम में विकास कार्य न कराने और लाखों रुपए गमन करने के आरोप लगाए हैं। मामले में शिकायत के बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर अकलतरा एसडीओ एवं दो उप अभियंता व दो तकनीकी सहायक और जनपद पंचायत अकलतरा अधिकारी जीएन तिवारी को जांच टीम गठित की गई। जब टीम जांच करने ग्राम हरदी महामाया पहुंचे तो पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों से बातचीत की गई और ग्राम पंचायत हरदी महामाया में हुए विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन कर जांच जारी की गई। उसके बाद जांच पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई, तो वहीं ग्रामीणों ने टीम की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कहाँ रहता है जी, का कुछ समस्या ला लेके आप मने हाँ, मतलब महिला मन आए हैं, मैं तो अभी कुछ नहीं जानत हुई है कि महिला मन आए हैं कि हमार सती चौरा है ओकर निर्माण कार्य बार बोले गए रिसे और आगे जो सामान बोला थे गिर गए तो मन का सामान गिरे तो कहा है और नहीं गिरे है तहु ला बतावे और बन ही कि नहीं तेला बतावे ऐसे बोलत है आश्वासन चाहिए। अच्छा, तो अभी अधिकारी मन आप मन का बोले से मन बोला थे कि बन ही। अच्छा, तो आप मन आप मन संतुष्ट है कि नहीं अधिकारी? नहीं नहीं, कब तक बन ही एला एला हम अच्छा महिला मन जी भाई, का नाम है आप मन के? सुनीता साहू। कहाँ रहता? हरदी जी। बताइए, ग्राम पंचायत हरदी में आज मन जांच बस जांच अधिकारी आए, का चीज के जांच हो चाहो, वो जांच में आप मन संतुष्ट है कि नहीं? अब हमारे पचरिया पारा के हमार महिला समिति वाला तो सती चौरा के बनाए भवन बोले रहे हैं तो सामान आ है कहीं तो सामान कहाँ है गिरे है कहीं रेती गिट्टी गिर गए वहाँ 64,000 के वहाँ के लागू थे तो कहाँ लग गिरे है हमने पूछ नहीं बन पाए है अभी तक नहीं बन पाए नहीं बन पाए है। तो आगे आप मन का चाहत है? हम बनाना चाहते हैं का चाहबो पैसा गिट्टी रेती गिरे तेरे दिखा थे बोले बनवाना चाह था ना। तो बोला पैसा के आहरण कौन करे फिर आप मन पता है का आप मन ला पंचायत अपना नाम बताए? गिरीश साहू। कहाँ रहते हैं? हरदी। क्या कुछ समस्या को लेकर आप मतलब जांच के मांग की? हम लोग यहाँ ऑनलाइन कैश बुक के आधार पे ये लोग भुगतान किए थे 33 कार्य का जी, उसका हम लोग भौतिक सत्यापन करने की मांग किए थे, वहाँ जांच की मांग किए थे जी। तो आज आए थे जांच में, हम लोग 3-4 माह के बाद में आए थे जांच, हमको आवेदन दिए 4 माह पहले दिए थे, 4 माह के बाद में आए हैं और आज हमको केवल 3 काम का भौतिक सत्यापन करवाया है, उसके बाद नहीं बताया। 30 काम बाकी है, 33 में 3 बस बताया। क्या जांच किए हैं? 3 काम बताया है, उसमें आप संतुष्ट हो? दो नाली दिखाया है और एक मतलब उसमें बोर का मेंटेनेंस का काम दिखाया है। तो जो दिखाया है उसमें आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं? केवल 3 काम दिखाया है, उसमें से एक टूटा हुआ है और एक कब्स का बना है उसकी जानकारी नहीं है हमको। जांच करने आएंगे बोले हैं 25 जनवरी के बाद में, वो भी कोई फिक्स नहीं है। अगर आने वाले समय में 25 जनवरी के बाद भी आप लोग का ठीक से जांच भी नहीं होता तो आने वाले समय में आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम तो पहले जांच चाहते हैं, बोलो। हम पहले जांच चाहते हैं, जांच में क्या वो दे रहे हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। फिर पंचायत हरदी में जितने जाँच किया है तो कितने प्रकार में जाँच हुआ है सर? ये 14 कार्य जाँच की है, उनकी प्राकलन इंजीनियर द्वारा नहीं, केवल ग्राम पंचायत की अनुमोदन सर। एक ही बार में किए हैं या अलग अलग भाग में डिवाइड करके किए हैं? अलग अलग भाग में डिवाइड करके किए हैं। सचिव द्वारा यह बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर के जो कार्य हैं इनका प्राकलन एवं प्राकलन नहीं है, कार्य जनपद ग्राम पंचायत के अनुमोदन के द्वारा उसी के अनुसार कराया गया है। इनका दस्तावेज इनके पास नहीं है, प्राकलन एवं तकनीकी सुविधा जी सर जानकारी बताएंगे आज के जो चेकिंग में है। आज मेरे दल द्वारा 2 उप अभियंता एवं 2 तकनीकी सहायक और जनपद पंचायत अकलतरा से जीएन तिवारी द्वारा कार्यों की सघन जांच किए हैं। इसमें
जनपद स्तर जिला पंचायत स्तर के 5 कार्य हैं, जिनमें 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, सत्यापन हो चुके हैं, 2 कार्य शेष हैं जिनकी एडवांस राशि 40% दिया गया है, उनके कार्य पूर्ण नहीं है, कार्य प्रगति पर है, पूर्ण है कि नहीं, पूर्ण नहीं है, एडवांस लिया गया है। एवं ग्राम पंचायत स्तर के 14 कार्य जांच किए हैं, इसमें स्कूल आयुर्वेदिक परिसर के पास नाली निर्माण कार्य, ये जो है 2 भाग में है, एवं पक्की नाली आयुर्वेदिक औषधालय भवन की ओर ये 6 बार में किए हैं 49,000 के, और बोर नल पैनल के मरम्मत का एवं बोर नल हॉस्पिटल के पास हेल्थ सेंटर में और पाइपलाइन है मेन रोड से कस्तूरबा की पानी टंकी तक मोटर पाइप इत्यादि, और कस्तूरबा पानी टंकी वाल्व लगाना पाइपलाइन और पक्की नाली कस्तूरबा 65 मीटर। जी सर, बताएंगे कि यहाँ जांच हुआ है तो जांच में क्या कुछ सही मिला है, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। जांच में तो जो देखे हैं कार्य हुआ है।